फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ देवयानी चौबे। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच आज दोपहर 1:30 बजे पुणे के मैदान पर खेला जाएगा। आप सभी को बताना चाहूंगी कि इस वनडे सीरीज में दोनों टीमें अभी 1-1 से बराबर हैं और ये अंतिम वनडे मैच दोनों टीमों के लिए फाइनल के रूप में खेला जाएगा। इस मैच को जीतने के लिए भारतीय टीम के ओपनर और उपकप्तान रोहित शर्मा ने खतरनाक प्लान बना लिया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि फिलहाल चल रही इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज को आप माई 11 सर्कल पर खेल सकते हैं, क्योंकि इस ऐप को ज्वाइन करते ही फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको 1500 रुपये का बोनस मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पर VVS लक्ष्मण भी हर मैच के लिए अपनी टीम बनाते हैं। यदि आपकी टीम VVS लक्ष्मण की टीम को हरा देती है तो आपको मिलेगा आपकी विनिंग का 5 गुना ज़्यादा कैश, और अगर आप मार्च लीडर वोट पर टॉप करते हैं तो आप जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए। काफ़ी सारे लोग यहां से करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। आप भी अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से माई 11 सर्कल को डाउनलोड कर लीजिए। यहां से डाउनलोड करने पर आपको 20% एक्स्ट्रा कैशबैक मिलने वाला है। दिस गेम इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। तीसरे वनडे में जीत के लिए टीम इंडिया चलेगी चाल। इंग्लैंड के हाथों दूसरे मैच में करारी हार से सबक लेते हुए भारतीय क्रिकेट टीम यहां रविवार को होने वाले तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में बदलते हुए तेवर और नई रणनीति के साथ देशवासियों की होली में जीत के रंग भरने के इरादे से खेलेगी। बल्लेबाजों की ऐसगाह पिच पर इंग्लैंड ने पिछले मैच में 20 छक्के लगाकर 337 रन के मुश्किल लक्ष्य को आसान बना डाला। खराब फॉर्म में चल रहे स्पिनर कुलदीप यादव और कृणाल पांड्या ने उनका काम आसान कर दिया। भारतीय कप्तान विराट कोहली को रविंद्र जडेजा की इतनी कमी कभी महसूस नहीं होगी जितनी पिछले मैच में हुई होगी। जॉनी वेरेस्टो और वैन स्टॉक ने भारतीय स्पिनरों को मनचाहे स्ट्राइक लगाकर खूब रन बनाए। गेंदबाजी में कुलदीप ने 8 छक्के लुटाए, जो किसी भी भारतीय गेंदबाज से ज़्यादा है। उन्होंने दूसरे मैच में 84 और पहले में 64 रन दिए। वहीं कृणाल ने 6 ओवर में 12 की औसत से 72 रन दे डाले। ऐसे में इन दोनों की जगह लेग स्पिनर युजवेंद्र सिंह चहल और वॉशिंगटन सुंदर को उतारा जा सकता है। चहल भले ही सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं है, लेकिन कोहली के पास कोई विकल्प नहीं है। कृणाल भी बल्लेबाजी के दम पर टीम में जगह पा सकते हैं, लेकिन खराब गेंदबाजी को देखकर स्पष्ट है कि वह दीर्घकालीन विकल्प नहीं है। बल्लेबाजी में 336 रन का स्कोर खराब नहीं था, लेकिन बल्लेबाजी की शैली में बदलाव की जरूरत है। भारतीय टीम आखिरी 15 ओवर में तेजी से खेलने पर भरोसा करती आई है, और वहीं पारी पार्टी पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से स्थापित की थी। कई बार ये दाव चल जाता है कि लेकिन विश्व चैंपियन इंग्लैंड ने दिखा दिया है कि मददगार पिच पर शुरू से ही हमला बोलना सही रहता है। इसके बाद ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका मिल जाता है। कप्तान कोहली ने दोनों मैचों में 0.5 शतक बनाया, लेकिन उनसे शतक की उम्मीद है। कोहली ने हालांकि कहा है कि रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलते हैं। उन्होंने कहा है, मैं अपने जीवन में कभी शतक के लिए नहीं खेला। टीम इंडिया में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में माई 11 सर्कल को डाउनलोड करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।